राष्ट्रमंडल खेलों के चौथे दिन भारत की झोली में भारतोलन से स्वर्ण पदक सामने आया। देश के सतीश सिवालिंगम ने 77 किलो भार में स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि रवि कतालू ने इसी भार वर्ग में रजत पदक जीता। सतीश और रवि के इन दो पदकों के साथ अकेले भारतोलन से देश ने 9 पदक हासिल किए। निशानेबाजी से एक और पदक हासिल हुआ। महिलाओं की डबल ट्रैप शूटिंग में भारत की शेषी सिंह रजत पदक हासिल करने में कामयाब रहीं। उन्होंने 92 के स्कोर के साथ इस पदक को अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर 94 अंक हासिल कर इंग्लैंड की शॉर्लट केरवुड रहीं। इस प्रतियोगिता में भारत की एक अन्य प्रतियोगी वर्षा वर्मन 88 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के असद मोहम्मद ने पुरुषों की डबल ट्रैप में कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक इंग्लैंड के निशानेबाजों ने जीता। इस प्रतियोगिता में भारत के अंकुर मित्तल पांचवें स्थान पर रहे। महिलाओं की 63 किलो भार वर्ग की भारतोलन प्रतियोगिता में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत की पूनम यादव ने कुल 202 किलो भार उठाकर ये पदक अपने नाम किया। पूनम ने स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 114 किलो का भार उठाने में कामयाबी पाई। हालांकि इस प्रतियोगिता में भारत की वंदना गुप्ता पदक से चूक गईं और वो चौथे स्थान पर रहीं। उन्होंने कुल 198 किलो भार उठाने में कामयाबी पाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।